नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ भारती दुबे। तो चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। संसद में विजिटर्स के लिए बदला एंट्री सिस्टम, बायोमेट्रिक जांच होगी, स्मार्ट कार्ड सबमिट करना होगा, 13 दिसंबर के हमले के बाद फैसला। बिहार की सियासी हलचल पर जनता की राय, कोई बोला जंगल राज से छुटकारा मिलेगा, किसी ने कहा चाचा बदलते रहते हैं। नीतीश की वापसी से पहले चिराग मांझी ने रखी शर्तें, एलजेपी का सीटों पर समझौते से इनकार, एचएएम ने दो मंत्री पद मांगे। पहले भ्रष्टाचार और परिवारवाद का दाग लगाकर अलग हुए नीतीश, हर बार नए स्टाइल में तोड़ते हैं गठबंधन, 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ। गोरखपुर में 30 घंटे चली जीएसटी रेड, सेंट्रल टीम को गालियां देते रहे अफसर, बोले हम जैसे चाहेंगे वैसे रुपया जमा करा लेंगे। हाथरस में कथा में बोले जगत गुरु राम भद्राचार्य, श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में भी कोर्ट में गवाही दूंगा, वहां हमारा अधिकार है, कृष्ण हमारे मित्र हैं। हरदोई में आबकारी मंत्री के घर के सामने बुल फाइट, चपेट में आई 17 गाड़ियां, ठेले वालों का हुआ नुकसान, 2 घंटे तक ठप रहा ट्रैफिक। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में जागरण के दौरान स्टेज गिरा, 1 की मौत, 17 घायल, सिंगर विपराग के भजन सुनने सैकड़ों लोग पहुंचे थे। सोनीपत में 4 युवकों को कार ने कुचला, हो गई मौत, वेटर का काम करते थे चारों, गाड़ी सवार 3 युवकों की हालत गंभीर। करनाल में 1 से कोर्ट मैरिज, दूसरी संग भागा, परिवार ने 12 दिन बाद रखा था शादी का प्रोग्राम, 4 लाख कैश गहने ले गया। यदि आपको हमारी खबर अच्छी लगी इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसी अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहिए पायनियर हरियाणा के साथ। नमस्कार।